हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जियो कंपनी किस तरह से ग्राहकों को लूटती है और किस तरह से हॉटस्टार और जियो टीवी के ग्राहक बनाती है। बेसिकली इसके कस्टमर नहीं होते हुए भी ज़बरदस्ती इसका कस्टमर बनना पड़ता है। जैसे अगर देखें इसके रिचार्ज जो भी रिचार्ज है, यहाँ से 2999 या 2023 या 999, बेसिकली इनमें अगर देखें तो जियो टीवी, हॉटस्टार एंड टू प्लस व्यू डिटेल्स और डिटेल्स देखें तो हमारे पास ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। हमारे पास जियो सिक्योरिटी, जियो क्लाउड्स, ये सारे कुछ। बट ज़रूरी नहीं है हर किसी को ज़रूरत हो। सपोज कि मैं मुझे दिन भर वाईफाई की रेंज में बैठा रहता हूँ मैं, तो मुझे जियो टीवी, जियो प्लान की क्या ज़रूरत है? वाईफाई, हॉटस्टार की ज़रूरत ही नहीं है, मैं देखता ही नहीं मूवीज, फिर ज़बरदस्ती क्यों? अगर कोई भी प्लान देख लें, पॉपुलर प्लान्स भी, जिनमें हमारे पास जियो टीवी और हॉटस्टार ये तो हमेशा ही देते ही देते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये बेसिकली जियो टीवी, जियो सिनेमा, ये सारी चीज़ें देते हैं हमारे पास। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नीड ही नहीं है हमें जियो टीवी की। हम कभी यूज करते भी नहीं है जियो टीवी, कभी देखते भी नहीं है, और इसी वजह से इसकी जो प्राइस है काफ़ी हाई रखी गई है। बेसिकली जो पहले लोग 50 रुपये में मंथली चला लेते थे, मंथ चला लेते थे, लेकिन अब नहीं होता। और साथ में अगर हम देखें तो जियो सिम जो है इनकमिंग कॉल बहुत ही जल्दी बंद कर देते हैं। जैसे आपका रिचार्ज प्लान खत्म हुआ है, इनकमिंग कॉल जल्दी ही बंद हो जाएगी, तो आपको फिर ज़बरदस्त रिचार्ज करना पड़ेगा और इनको फिर से लेना पड़ेगा, जिनके हमें कोई नीड भी नहीं है। तो बेसिकली जियो, अगर जो लोग कहते हैं कि जियो ने सस्ता कर दिया है, तो जियो ने सस्ता कुछ नहीं किया, बस उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाई है कि उन्हें लगता है कि नेट वो सस्ता दे रहा है, बट उन्होंने इनकम अपनी इंक्रीज कर दी है। इसके जरिए लोगों को बिना बात के मंथली 300 तक का रिचार्ज तो कराना ही पड़ता है। जो पहले 50 रुपीज में डे चल जाता था, अब 300 रुपये का रिचार्ज कराना ही पड़ता है। तो देखें, हर उसमें हमारे पास ये जियो टीवी और इनको दे रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी। हर इसमें सब्सक्रिप्शन है, हर किसी में, कहीं पर भी हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें इसे ओनली विदाउट डेटा या इनकमिंग कॉल के लिए हो, या कोई ऐसा प्लान जिससे हमारा वैलिडिटी एक्सटेंड हो सके। ऐसे प्लान्स हमारे पास कहीं नहीं है। सभी प्लान इसी तरह के हैं जहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें जबरदस्ती थोपी जाती हैं। अगर हम जियो फोन में देखें तो जियो फोन बेसिकली उन्होंने अगर जियो फोन लोगे तो आपको कुछ सस्ता मिलेगा, इस तरह से उन्होंने एड ऑन किया है। तो जियो फोन वालों के लिए उन्होंने कुछ सस्ता कर दिया, क्योंकि एक तरह से वो जियो फोन के जो कस्टमर है उनको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज सस्ते हैं, बट इसको इसको हम सस्ता नहीं बोल सकते। देखो, जैसे RS 91 में वैलिडिटी 28 डेज और 0.1 GB डेटा पर डे, बेसिकली नीड ही नहीं है हमें डेटा की। जिन लोगों को डेटा की नीड नहीं है, सपोज कि इंडिया में आजकल भी बहुत सारे लोग अनपढ़ लोग हैं या डेटा यूज नहीं करते, नेट यूज नहीं करते, क्योंकि जैसे सपोज कि कोई रिक्शा वाला है या फिर कोई किसान है, उन्हें नेट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो उनके लिए क्यों ज़बरदस्ती नेट दिया जा रहा है? उन्हें क्यों रिचार्ज कराने के लिए ज़बरदस्ती उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। ये जियो फोन के लिए, ओनली जियो फोन के लिए थोड़ा सस्ता, बट सस्ता नहीं। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ रिचार्ज है। अब इसके साथ में हम देखें BSNL के रिचार्ज, BSNL के रिचार्ज से कंपेयर करेंगे इसको। फिर यहाँ पे हम देखें तो BSNL के रिचार्ज जो है RS 107, 1 GB डेटा, 84 डेज। तो यहाँ पे 107 में 84 डेज के लिए कहीं पर भी पैक नहीं था। इस तरह से अगर देखें 90, अगर कोई गरीब इंसान 90 रुपये का रिचार्ज करा के 50 MB में 90 डेज की वैलिडिटी ले लेता है, तो उसको इससे ज़्यादा क्या होगा? क्योंकि उसके सिर्फ इनकमिंग कॉल से मतलब होता है। मुझे अपने नंबर पर सिर्फ इनकमिंग कॉल चाहिए होती है, आउटगोइंग कॉल से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ देखिए RS 90 और ये टॉक टाइम नहीं, और 90 डेज वैलिडिटी। इसी तरह से 197 और 2 GB पर डे और 70 डेज, और 2 GB पर डे भी दे रहा है, 197 में दे रहा है,
ये तो जियो से काफी सस्ता है, क्योंकि अगर जियो में हम देखेंगे तो कहीं भी 2 GB पर डे वाला 197, 70 डेज के लिए तो नहीं था। मंथली भी अगर हम देख रहे थे तो 190 के नियर अबाउट 28 डेज के लिए मिल रहा था, जिसमें भी 1.5 GB डेटा पर डे मिल रहा था। तो ये इनडायरेक्टली किसी ना इनडायरेक्टली BSNL को खत्म करने के तरीके हैं, क्योंकि BSNL का जो हमारे पास नेटवर्क है उसको कम कर दिया गया है, जिससे लोग ना चाहते हुए भी जियो लेना चाह रहे हैं, जियो लेने की कोशिश करते हैं। जैसे RS 321 में 15 GB डेटा और 365 डेज की वैलिडिटी मिल जाती है किसी को, तो क्या चाहिए किसी को, 360 डेज तक वैलिडिटी है। बट अगर हम जियो की बात करते हैं, जियो में अगर हमने रिचार्ज नहीं कराया था तो कुछ दिनों में कॉल बंद, मैसेज बंद, और जिन लोगों को मैसेज या कॉल की जरूरत होती है, कॉल आना है उनकी, तो उन्हें रिचार्ज कराना पड़ता है, जबरदस्ती रिचार्ज कराना पड़ता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे BSNL के रिचार्ज देख सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन जो होता है वो था हमारे पास कि अब मैंने जियो सिम को पोर्ट कराने के लिए एक मैसेज किया था, तो उसके तुरंत बाद हमारे पास कॉल आता है और कॉल में बताते हैं कि वो कि सर इसको आप बंद मत कराइए। और बंद ना कराने के लिए वो कई सारे रीजन देते हैं कि सर ये इस तरह से चेंज करना, कन्वर्ट करना सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ तक कि मैंने बोला उनसे, उन्होंने बोला कि किस सिम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैंने कहा BSNL में, तो उन्होंने कहा BSNL तो बेकार सिम है। तो इस तरह से आप किसी की गलती नहीं निकाल सकते हो। ऑल्दो यहाँ हमने सिर्फ कंपेयर किया है, आप खुद देख सकते हो उनका ये किस तरह से रिचार्ज डिफरेंस है, फिर भी लोग जियो के पीछे भागते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार जो है वो अपनी जियो को अपनी BSNL पर ज़्यादा ध्यान ना दे के प्राइवेट प्राइवेट कंपनियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर वो BSNL पे ध्यान देंगे तो BSNL का क्या, सरकार इतनी कमज़ोर है अपनी कि BSNL कंपनी को के जो नेटवर्क है उसको नहीं बढ़ा सकती, क्या इतने कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर नहीं है बट सिर्फ उसको कमज़ोर दिखाया गया है इस तरह से कि BSNL कमज़ोर है, आप प्राइवेट सिम यानी कि जियो या इस तरह की सिम लो, जियो या एयरटेल कोई भी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।